को मैंने भिगोए थे 10 बादाम। हेलो भाई, सबको राम राम भाई, जय हिंद, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बात, जिससे कि बंदे के सांस फूलता रनिंग करने में। तो भाई, जितने भी तैयारी कर रहे हैं बंदे आर्मी की या फिर किसी डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और या SSC GD की भर्ती आ रही है, 5 किलोमीटर की रेस है भाई, जिसकी अगर रेस ना बन रही हो 5 किलोमीटर या 1600 मीटर, भाई कमेंट कर देना। भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, कमेंट कर देना नीचे, मैं बताऊंगा कैसे 5 किलोमीटर की तैयारी करनी है और 1600 मीटर की तैयारी भी आपको कैसे करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, सांस फूलने की सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि जो बंदे प्री वर्कआउट नहीं ले सकते तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, या तो अंजीर ले सकते हो आप, या फिर ले सकते हो कॉफ़ी। अब मैं बताता हूँ आपको सबसे बढ़िया। अब मेरे को भाई क्या हुआ, मैं कल तो ब्याह में गया, शादी में गया था, और उसके बाद आने के बाद अपने घर आया, अब मेरे को नींद ना पूरी रात। अब मैंने सोचा, अब दौड़ मारने का जुनून बता रहा हूँ मैं आपको, दौड़ मारने का जुनून ये होता है, इंतजार कर रहा था कब 4 बजे कब मैं दौड़ मारने जाऊँ। 4 बजे सबसे पहले उठा, गर्म पानी पिया मैंने, उसके बाद मैं फ्रेश होकर आया। फ्रेश होने के बाद आया, कॉफ़ी ली मैंने थोड़ी सी, पर कॉफ़ी पीने से पहले मैंने थोड़ा सा केला खा लिया, क्योंकि ऐसा ना खाली पेट कॉफ़ी पीता थोड़ी दिक्कत कर देती है, उल्टी वगैरह आने की मतलब दिक्कतें आ जाती है, जैसे वर्कआउट करते हैं तो उल्टी वगैरह आती है। तो क्या करना है आपको, गर्म पानी पीना है, फ्रेश होकर आना है, फ्रेश होने के बाद आधा केला खाना है, नहीं है तो सेब खा सकते हो, नहीं है तो कॉफ़ी पी लेना, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो, पर मेरे को लगता है कि जितनी तैयारी कर रहे बंदा ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा सबके पास घर में, कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है, कॉफ़ी ले सकते हो, या फिर अंजीर हो गई, अंजीर दो अंजीर भिगो रात को, पर हाँ भाई उसे बिना भिगोए मत खाना, क्योंकि वो गर्म होती है बहुत ज़्यादा। अगर सर्दी में खाते हो तो एक काम करना, या फिर दूध में उबाल के भी ले सकते हो उसे, और उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीने के बाद अपना वर्कआउट करने के लिए आना, ट्रैक पे आना, नॉर्मल वर्कआउट करना जैसे रनिंग करते हो आप। रनिंग करने के बाद अपना ऐप, तो गाइस आपको जो वर्कआउट करना है अपने ट्रैक पर, आके ट्रैक पर वर्कआउट करोगे, उससे क्या है, देखो सांस सबका फूलेगा धीरे धीरे। देखो अगर आप कोई धीरे धीरे जैसे आप रनिंग करोगे, सांस धीरे धीरे आज फूलेगा, दूसरे दिन फूलेगा, तीसरे दिन फूलेगा, चौथे दिन, तो धीरे धीरे ना हमारे शरीर को आदत पड़ जाएगी कि जितने हमारे फेफड़े में इतनी हवा भरेगी, तो इतने लंबी सांसें लोगे, इतने आपके मतलब राहत मिलेगी। अब जैसे आप लॉन्ग रनिंग करोगे धीरे धीरे, जैसे आपने आज एक चक्कर मारा, दो चक्कर मारा, तीन चक्कर मारी, चार चक्कर, तो इस तरीके से आपने चक्कर बढ़ाते जाना, ठीक है। ये फिटनेस वर्कआउट है। अगर किसी आपको मतलब तैयारी करनी है 5 किलोमीटर की या फिर 1600 मीटर की, तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं आपको अलग वर्कआउट सेंड कर दूँगा, ठीक है। आपने वर्कआउट कर लिया, और उसके बाद मैं ये वर्कआउट मैंने आज करा, जब 4 किलोमीटर रनिंग करी, 4-5 किलोमीटर, उसके बाद अपना ऐप्स वर्कआउट भी करूँगा मैं, ठीक है। अब घर जाने के बाद बताता हूँ आपको मैं क्या खाऊँगा, वैसे सुबह 4 बजे उठा था मैं, तो अब घर जाने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। रात को मैंने भिगोए थे 10 बादाम, ठीक है, 10 बादाम, उसे पानी भिगोने के बाद उसे निकालूंगा, और उसके क्या नाम है, छिलके उतार के, और उसे मतलब सिलबट्टे में पीस के, और इलायची होगी उसके अंदर, इलायची, और अगर आप चाहो तो सलाजीत थोड़ी सी ले सकते हो, पर सलाजीत आपको इतनी देनी है, जैसे आपने देखा होगा चीनी का दाना, देखा होगा चीनी का दाना, चीनी के दाने जितनी सलाजीत देनी है, और उसमें दूध में घोल देना अपने भाई, बादाम भी डाल देना, और क्या बोलते हैं अपना मुनक्के वगैरह है तो मुनक्के डाल देना, घी हो तो घी डाल देना भाई। सांस मैं कह रहा हूँ ऐसा सांस हो जाएगा ज़बरदस्त, फूलने का ही ना सांस, मतलब जीतना कैड़ा हो जाएगा। अब एक दिन में तो कोई धावक ना बनता भाई, पर इतना है कि अपना 1-1.5 महीने में जो तुम्हारा इतना बढ़िया सिस्टम हो जाएगा, हर चीज़ से बढ़िया हो जाएगा भाई, भागने में, दौड़ने में, लड़ने में, फिरने में, शादी में जा जाओगे भाई, खुद पर हेफ्टी रेफ्टी सीख दोगे किसी के भी, अतुरंत मार के गोली, तो अल्लाह ऐसा स्टैमिना बन जाएगा, ठीक है। तो भाई उसके बाद दूध वगैरह पीने के बाद, अगर जैसे पैसे किसी के पास होते हैं तो पनीर दे सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, अपना देसी चलने दो खाने को, ठीक है। दोपहर में अपना जो लंच करते हो, खाना खाते हो, खाना खाओ आराम से, दाल चावल रोटी जो भी मिलता खाओ, कोई दिक्कत ना है कि मतलब बाहर का ही खाओ, जो मिल जाए पनीर मिल जाए तो खाओ, ना मिल जाए कोई दिक्कत ना भाई, पर अपना वर्कआउट करो, हमेशा फिट रहोगे। अगर जवान चाहते हो ना, 30 साल की उम्र में 20 साल जैसी चमक चाहते हो, तो भाई दौड़ मारना, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसी चमचमाता चेहरा रहेगा जहाँ भी खड़े हो जाओगे, अलग ही लगोगे पर्सनैलिटी। और डीमोटिवेट करने वाले बंदे तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे रस्ते में, या दौड़ ही रहा है, फलाना है, ढिकाना है, तो उन्हें जो बोलना है ना बोलने दो। बहुत से ये भी कह रहे होंगे कि भाई 4 साल की भर्ती हो गई, कि आर्मी में तुम्हें इतना तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया, आर्मी में लगे ना लगे, अबे एक बात बता, दौड़ मारने का नुकसान थोड़ी है, या खुद ही कौन सा जज बन गए जो हमें बता रहे हो। तो भाई उनसे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उनकी बातों पर सिर्फ अपने मोटिवेशन दो। आपने 1600 मीटर की तैयारी करी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी 800 की तैयारी करो, 400 की तैयारी करो, अपने यार कोई हाथ पैर टूट थोड़ी रहे हमारे, कुछ भी काम धाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जरूरी ना कि आर्मी की नौकरी के अलावा भी कोई एक ही ऑप्शन है भाई, बहुत सारे ऑप्शन है, करने वाला होना चाहिए बंदा, बस सोच लो अगर जिंदगी में आए हो ना, सारा कुछ करके जाना है, जो बोलना बोलने दो, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको जो 11 बजे तक की राइट दी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा 11 बजे से मतलब रात तक की, कि क्या खाना है, क्या पीना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं आपका भाई उदित त्यागी, जय हिंद भाई सबको।